मैं मंच पर उपस्थित अपनी बहन रजिया बानो जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारे बीच में प्रदीप प्रधान जी, कटाना जी हमारे भाई खड़े हैं, सुधा भारद्वाज जी हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, आरफा हमारे दिल्ली की जुझारू ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में मेरी साथी है, हमारी हसीना जी तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, खास तमिलनाडु से हरियाणा की धरती पर आपके बीच में आई है, सुनीता सहरावत जी आप ही के गुड़गांव से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में मेरी साथी है। मंच पर उपस्थित सभी भाइयों और आप बहनों को शुक्रिया करती हूँ। मैं 3 घंटे पहले महेंद्रगढ़ के नारनोल में थी, वहां पर भी आप बहनों को सभा किया, वहां से निकली और यहाँ की तस्वीर का मुझे भेजिए, तस्वीर भेजी तो पता लगा मुझे यहाँ 3 बजे का समय दिया पर आप 1 बजे से आकर बैठी हुई है, 1 बजे से तस्वीरें देख रही हूँ। अभी मैंने रजिया बानो बहन से भी कहा जगह कम पड़ गई है, अगली बार बहनों के लिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बहनें घरों से निकलती नहीं है, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा मेरी बहनों को तो वो निकलेंगी भी, आवाज भी उठाएंगी, अपने हक अधिकार छीन कर घर लेकर भी जाएंगी। क्या हो रहा है देश में, लोकतंत्र नहीं बचा है, लोक मतलब कि लोगों की आवाज नहीं बची है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका, अल्पसंख्यक भाई बहन है हमारे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी हो, पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए हैं उन्हें बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज नहीं आने देंगे हम आपके हक और अधिकारों। मैं हिंदू, मैं बहुसंख्यक हूँ, लेकिन बाबा साहब का संविधान बचाने निकली हूँ क्योंकि उस बाबा साहब के संविधान ने जो हक हिंदुओं को दिए हैं वो संविधान में हक मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बराबरी के दिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। हम सिर्फ संविधान बचा रहे हैं कि इसमें दलित, इसमें आदिवासी, अति पिछड़ा, हमारे अल्पसंख्यक, हमारी जो बहने यहाँ बैठी है इनके अधिकारों को बचा सके, इनकी आवाज को जिंदा रख सके। हरियाणा के अंदर चुनाव का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को पूरा हरियाणा 90 सीटों पर वोट डालेगा। आपकी इस नू विधानसभा जहां पर मैं आई हूं, 1 अक्टूबर को यहां पर भी वोट पड़ेगा और 4 अक्टूबर को सोना विधानसभा पर पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में यहां पर भी वोट पड़ेगा। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ये भाजपा की डबल इंजन की तानाशाह सरकार को आज उखाड़ फेंकने के लिए हम सब एकजुट हो चुके हैं। क्या कह रहे थे, 400 सीटें पार, हाँ तीसरी बार मोदी की सरकार क्या किया, हवा निकाल दी या नहीं निकाल दी, 10 सीटें थी लोकसभा की, हरियाणा में कितनी, 10, 10 की 10 किसके पास थी, भाजपा के पास थी। इस बार हमने 10 में से सीधा 5 छीन ली है, लोगों ने 10 में से 5 सीटों पर हरियाणा में इस बार कांग्रेस को जिताया है और इस बार विधानसभा का चुनाव इस आधी आबादी का वोट उतना ही बराबर और भारी है जितना पुरुषों का वोट है। पुरुष किसी दबाव में हो सकता है, राजनीतिक दबाव किसी दबाव में आ जाए, पर महिला किसी के दबाव में अपना वोट हरगिज नहीं देगी। क्या मुद्दे है मेरी बहनों के, मुद्दा है महंगाई, हाँ या नहीं, है महंगाई मुद्दा या नहीं, घरेलू सिलेंडर कितने का खरीद रही हैं, मोदी की गारंटी 450 का मिलना था ना, क्या घरेलू सिलेंडर 450 का मिल रहा है, क्या कीमत है 800 रुपया। हाँ हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लगा हुआ राजस्थान है कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार,
500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, आप 800 ले रहे हो। 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, हम आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए, हम देंगे महंगाई से राहत आप लोगों को। कल सुबह हिमाचल जा रही हो, कांग्रेस की सरकार है, वायदा था कि हर गरीब परिवार की हर महिला को उसके बैंक खाते में महीने की पहली तारीख में 1500 रुपए डालेंगे, और मेरी बहनों को हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1500 रुपए उनके खातों में डालना शुरू कर दिया है। बहनों को मिलने अपनी सरकार का धन्यवाद शुक्रिया करने जा रही है। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में भी 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल की तर्ज पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें महिलाओं को सीधा आर्थिक मदद हर महीने पहुंचा रही हैं। हम हरियाणा में भी वायदा करते हैं 2000 रुपए से कम नहीं देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे, हर महीने की पहली तारीख को हर बहन के बैंक खाते में। ये सारी चीजें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने नेता को लिख कर दी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की मंशा बिल्कुल साफ है, संसद के अंदर आवाज उठा रहे हैं, बाबा साहब को अम्बेडकर का संविधान लेकर उसे बचाने निकले। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या क्या तमाशे इन भाजपाइयों ने नहीं की। श्री राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। वो यात्रा आपकी धरती से भी गुजरी और आपने दिल खोल कर उस यात्रा का स्वागत किया और एक संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम हम अलग अलग नहीं। भड़काने वाले भाषण दिए मोदी जी आपने, देश के प्रधानमंत्री हैं, भड़काने वाले भाषण, और मुंह तोड़ जवाब मिला आपको इन चुनावों में 2024 के चुनावों में। मेरी हिंदू बहनों को डराया, हिंदू बहनों को कहा तुम्हारा मंगल सूत्र खतरे में है। क्या कहा? मंगलसूत्र खतरे में है। उन्होंने ने कहा हमारा मंगलसूत्र खतरे में नहीं है, हमारे चूल्हे खतरे में है, हमारे बेरोजगार बच्चे खतरे में है, हमारी जवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो खतरे में है। ये जवाब मिला उन्हें मुंह तो। आज भी मैं यहाँ देख रही हूँ हमारी कुछ हिंदू बहनें भी बैठी हैं, मुस्लिम बहनें भी साथ बैठी हैं। कोई खतरा है किसी को? मैं पूछना चाहती हूँ मेरी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनों से कोई खतरा है? खतरा है तो केंद्र में बैठी इस तानाशाह मोदी सरकार को हमसे खतरा है, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 400 मांग रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला आपको। बिहार की और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पे चल रही है ये सरकार, और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का परिणाम आएगा, हरियाणा का परिणाम आएगा, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड, चारों राज्य कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। और जैसे ही हम 4 राज्य जीतेंगे भाजपा की दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। अति हो चुकी है आपकी तानाशाहियों की, जातियों की। महिलाएं सुरक्षा मांग रही, हमारी हरियाणा की बेटी नाम है विनेश फोगाट, रजिया बानो की तरह खेलों में नाम रोशन किया हमारी बेटियों ने। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ बाप कहते हैं बेटियां तो पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर खिलाड़ी बना रहे हैं, पर मोदी जी आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं। पढ़ा तो रहे हैं पर आपके नेताओं से बचा नहीं पा रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण शरण? आपका सांसद है ना, गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की ना आपके सांसद ने हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक विनेश फोगाट के? किसका साथ खड़े रहे भाजपाई? ब्रजभूषण शरण बेटियों के गिरेबान में हाथ डालने वाला? FIR नहीं होने दी उन्होंने, दिल्ली की पुलिस चुप गई अमित शाह जी और भाजपाई नेताओं के सामने, बेटियों की FIR नहीं हुई। हम गए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं तब भाजपा के इस सांसद के खिलाफ FIR होती, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। बोला चुनाव में दोबारा टिकट देके लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हमने भी कह दिया दीजिए टिकट अपने इस बेटियों के दोषी को टिकट, हम भी देखते हैं कैसे जीतेगा। उसी की लोकसभा में हम तंबू गाड़ कर बैठ गए।
मोदी जी भाजपा डरी हमारी बहनों से और ब्रजभूषण शरण बेटी के दोषी की टिकट काटनी पड़ी। ये हमारी जीत थी कि ब्रजभूषण शरण की टिकट भाजपा को दबाव में काटनी पड़ती है। आज इस समय 3:30 बजे आपके बीच में हूँ, कल इसी समय 3:30 बजे शिमला के हिमाचल में हूँ। क्यों जाना पड़ रहा है वहां पर? भाजपा का विधायक है वहां पर भी, नाम है हंसराज। बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत की है उसने। गंदे गंदे संदेश मोबाइल पर गंदी फोटोएं भेजी है। FIR कर दी मेरी सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, लेकिन अब मैं जा रही हूँ कि उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो, क्योंकि हमारी सरकार ने करके हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हम बैठे रहेंगे। जहां जहां बेटियों के ऊपर आज आएगी, हम वहां वहां भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और मेरी टीम उन बेटियों के साथ, उन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के साथ, उन्हें न्याय का हक मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। मुझे मालूम है हमारे भाई खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है, बोला सम्मेलन करेंगे, उसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। मैंने इनसे निवेदन किया, हर सभा में पुरुष ही दिखते हैं, हमारी बहनों से बात और मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं खास अपनी बहनों को मिलना चाहती हूँ, ताकि महिलाओं का सम्मेलन होगा तो महिलाएं आ पाएंगी, बैठ पाएंगी और बेझिझक अपनी बात को कह पाएंगी। इसलिए माहौल दिया गया कि सिर्फ हम लोगों ने महिलाओं का ये नारी न्याय के तहत सम्मेलन बुलाया। स्वाभाविक है हमारे भाई पूरी ताकत के साथ इस मंच पे खड़े हैं। जैसे ही चुनावों का ऐलान होगा, जिसे भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, पूरी ताकत देने के लिए, हर समुदाय को जोड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा लौटूंगी। हमारे भाई भी चाहते हैं, बहुत से पुरुष आना चाहते थे हमारे भाई, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि खास आदि आबादी के लिए रखा है। मुझे मालूम है मेरी महिला बहनों, 28 राज्य है हमारे देश में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 राज्य, हर राज्य का दौरा करके आपके बीच में आए हैं। पूरे देश की महिलाओं की एक ही मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा बढ़ रही है। कारण जाना, बहनों से बात की और बहनों ने कहा, ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये पुरुषों से ज्यादा मुझे चुभ रही है, मुझे परेशान कर रही है। मैंने अपनी बहनों से पूछा, अरे महंगाई जो तुम्हारे लिए है वो भाइयों के लिए भी है, जो बेरोजगारी तुम्हें परेशान कर रही है वो उन्हें भी कर रही है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा कैसे हुई? सुनिएगा, बहनों ने कहा, आदमी और बेटों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, आदमी के पास कर्ज लेना पड़ रहा है, उधारी लेनी पड़ रही है, कर्ज उधारी चुकाए नहीं चुकाई जा रही, आदमी को गुस्सा आता है और वो गुस्सा किसी और पर नहीं, घर पर, मुझ पर, औरत पर उतरता है। हाँ या नहीं? तो महंगाई और बेरोजगारी हमें ज्यादा परेशान करती है, आदमी मजबूर हो रहा है, गुस्से में है, काम नहीं, कमाई नहीं, कर्ज लेना, उधारी लेनी, उधारी चुकाई नहीं जा रही, आदमी को गुस्सा आता है, गुस्सा घर में औरत और बच्चों पर उतरता है। आज हम आपको कह रहे हैं, रोजगार, आज तक बेटों की बात थी, बेटियां पढ़ लिख गई है ना, हाँ, उनका अधिकार नहीं है इन नौकरियों पर, उन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए या नहीं? माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपसे मैं कह रही हूँ, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पे खड़ा है, लेकिन 4 अक्टूबर को सरकार बनते ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती हम खोलने जा रहे हैं, और जैसे ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती खुलेगी, उन आधी भर्ती पर हमारी हरियाणा की पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा, आरक्षण होगा, ताकि हर बेटी के पास अपना काम, अपनी कमाई होगी। हरियाणा की धरती पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, भाजपाइयों को 10 साल में समझ नहीं आ रहा कि बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। हम आपको बताते हैं, हम अपने राज्य में जहां सरकार है वहां क्या कर रहे हैं, वही काम हम हरियाणा में करेंगे। क्या होगा?
महिला थाना खोला जाएगा, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। और उन महिला थानों को पुरुष पुलिस नहीं, हमारी महिला पुलिस की भर्ती होगी और महिला थानों में सुनवाई के लिए महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। हमारी बेटियां बैठे, हर थाने में महिला वकील बिठाई जाएगी ताकि हमारी किसी भी बहन को किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वकील चाहिए, वो वकील मुहैया कराना, न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। आ जाइएगा उन महिला थानों में, महिला पुलिस, महिला वकील आपकी सुनवाई के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी होगी वहां पर। होंगी कैसे नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित है, पूछना चाहते। हरियाणा में अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज भी एक जवान सरहद पे शहीद हुआ है। माओ ने कोख से बच्चे पैदा किए, बेटे दिए माँ भारती के लिए, हर रोज जवान सरहद पे शहीद हो रहा है। इन्होंने भाजपाइयों ने क्या किया, आजादी से लेकर आज तक इन भाजपाइयों का इस देश की आजादी और आजादी के 78 साल में उसकी हिफाजत के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहा, ना आजादी में और आज अगर देश आजाद है तो आग लगाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर और उस आग में घी डालने का काम करते और तमाशा देखते। इन्होंने हमारी भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। मैं अब आपसे माता बहनों से पूछती हूँ, जिन्होंने अपने कोख से बच्चे पैदा किए, क्या ये जायज था, क्या ये सही था कि भाजपा की सरकार ने सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी, सेना में ठेके पर भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए ठेके की भर्ती मंजूर है आपको, मंजूर है, मंजूर है, तो करिए इन्हें बाहर, हरियाणा से, देश से। सेना की पक्की भर्ती हम बहाल करेंगे, सेना में ठेके की 4 साल की ये नौकरी हम रद्द करेंगे, हम देंगे हर जवान को, हर शहीद को शहीदी का दर्जा, हम देंगे हर शहीद को उसके सम्मान में जो कफ तिरंगे में तिरंगा मिलता है, उसे भाजपाइयों ने छीनने का काम किया। भाजपाइयों ने जवान शहीद के माँ बाप से उसके हक अधिकार छीनने का काम किया। आज हरियाणा की धरती वीर सपूतों की धरती है, खिलाड़ियों की तो किसानों की भी धरती है। हमारा अन्नदाता यहाँ पर खून पसीना अपना एक किया, अभी कहते थे किसान खेतों में पसीना बहाता है, पर हमने दिल्ली की दहलीज में उसी किसान को खून बहाते भी देखा है। लाए ना ये कृषि कानून, काले कानून, अपने पूंजीपति मित्र अडानी का घर भरने के लिए लाए थे, 700 किसान शहीद हो गए। क्या कह रहा है हमारा किसान, यही तो मुद्दे हैं इन चुनावों में। भाजपा कहती है मुद्दों पर बात मत करो, हिंदू और मुस्लिम कर दो, जाति धर्मों में बांट दो। आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, हवाई दौरे करेंगे और हवाओं में जहर घोल कर जाएंगे ताकि मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बहन का राशन कार्ड नहीं है, उसे राशन नहीं मिलता है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम नहीं जुड़ रहा राशन कार्ड, उसे सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको पेंशन नहीं मिलती, सरकारी वजीफे नहीं मिलते हैं, लेकिन मोदी भाजपा के लिए ये मुद्दे नहीं। तो किसानों को फसल का उचित दाम मांग रहे थे, गलत काम कर रहे थे हमारे अन्नदाता किसान, फसल का उचित दाम ही तो मांग रहे थे। क्या हमारे अन्नदाता किसान को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, तो हम आपको वायदा करते हैं 4 अक्टूबर को, अगर आपने 1 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट दिया तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के किसानों के ऊपर जो कर्ज है हम उस कर्ज को माफ करने का काम करने जा रहे हैं। हम अपने हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम देने जा रहे हैं। हम किसानों को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं, ये आप चाहते हो या ना हो, क्योंकि 10 साल भाजपा सरकार ने नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या हुआ डबल इंजन की सरकार में, अन्याय, अत्याचार, बेटियों के साथ बलात्कार, और न्याय के नाम पर आप बलात्कारियों के साथ खड़े रहे। 2 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली नहीं बैठ रही, पूरे देश के कोने कोने पर जा रही,
गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन पहले वहां पर हमारी बेटी नाम है बिल्किस बानो, 11 लोगों ने मिलकर हमारी एक बेटी का बलात्कार किया, 11 लोगों ने मिलकर हमारी एक बेटी का बलात्कार किया। क्या होना चाहिए था उन बलात्कारियों की सजा? क्या होनी चाहिए थी? फांसी। फांसी हुई? नहीं हुई। क्यों? बेटी बचाओ का नारा देने वाले, खोखला नारा देने वाले मोदी जी का गुजरात था। अपराधियों को फांसी नहीं हुई, अपराधियों को रिहा कर दिया गया जेल से। और जब अपराधी बाहर आए तो लड्डू खिलाए गए, लड्डू बांटे गए, उनके गले में हार डाले गए, उन्हें चुनावी मंचों पर बुलाकर उनसे वोट बटोरे गए और बताया गया बिल्किस बानो हमारी बेटी के 11 बलात्कारी संस्कारी हैं भाजपा आरएसएस वालों के लिए। लेकिन बेटी लंबी लड़ाई लड़ी, हम भी खड़े रहे और शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारी अदालतों का, भाजपा की दिल्ली और गुजरात की सरकार को फटकार लगाई और कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब मरो। 11 लोग बेटी का बलात्कार करते हैं, बेटी को न्याय दिलाने की बजाय बलात्कारियों को रिहा करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 11 के 11 बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल में ठूसा है। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है और भाजपाइयों तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। मैं अपनी हर बहन को यहाँ पर कहने जा रही हूँ, हमने रजिया बानो जी को महिला कांग्रेस का आपके जिले का अध्यक्ष बनाया है। आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के इस संगठन से जुड़िए, इसकी सदस्य बनिए। उससे होगा क्या? उससे होगा सिर्फ ये, आप हमसे सीधा जुड़ जाएंगी और हम आपसे सीधा जुड़ जाएंगे। अगर मेरी बहन को कभी मदद की जरूरत पड़े और उसको समझ नहीं आए कि मैं कहां जाऊं, किससे न्याय मांगू, किससे गुहार लगाऊं या किससे सलाह लूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपकी एक आवाज में आपके बीच में आकर खड़ी होगी और आपको हर तरीके की मदद करेगी कि आपको न्याय मिले, आपको न्याय मिले। और 4 अक्टूबर को हरियाणा में आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई, हमारा विधायक बन गया, तो आपकी परेशानियां हम दूर करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी होगी, पुलिस प्रशासन हमारा होगा, हम देखते हैं आपका हक और अधिकार आपको कैसे नहीं मिलता। ये मैं नहीं, ये श्री राहुल गांधी की सोच है, ये श्री राहुल गांधी की सोच है। मैं सिर्फ आप सबको ये कहूंगी, हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, माँ बाप जो बैठे हैं हमारी यहाँ पर मासूम बच्चियां मुझे देख रही हैं, मुझे नहीं मालूम है कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अगर आपने इनके स्कूल छुड़वाए तो कारण क्या है हमें बताइए, फीस नहीं भर पा रहे, वर्दी नहीं है, क्या कारण है बेटियों की शिक्षा आप बीच में रुकवाते? दौर बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, पैरों पे खड़ा करिए। अगर बेटी बहुत पढ़ लिख गई है तो सरकारी नौकरी, महिला पुलिस भर्ती, इन सब में हम इनको नौकरी दिलाएंगे, ये वायदा है। और जो हमारी माता बहने नहीं पढ़ पाई, नहीं लिख पाई, किन्हीं भी कारणों से